रिश्तों के ताने बाने में मुस्कुराती कभी रुलाती है, सपनों को छूने की चाह में गिराती है, कभी चलना सिखाती है। खुले आसमां से सागर की गहराइयों तलक कटी पतंग की तरह तारों से कभी उलझाती है कभी सुलझाती है। सुख दुख और हार जीत की है ये पहेली। शगुन की बहुत चिंता होती है, क्या हो गया उस लड़की को, वक्त के साथ चिड़चिड़ी होती जा रही है। मैं कुछ बात करती हूँ तो जवाब नहीं देती। देखिए दी, मैं जानती हूँ कि आप भैया से गुस्सा है, पर इस वजह में अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संजय की शादी के डेट फिक्स हो गए, बताया होगा ना तुम्हें दीदी ने? आप मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे जल्दीबाजी में दीदी बोलना भूल गई होगी। मुझे तो समझ नहीं आता माया कि मैं आजकल के बच्चों को समझाऊं कैसे। अरे दीदी, संजय ठीक ही तो कह रहा है, आपको अब शगुन की शादी कर ही देनी चाहिए, वैसे उम्र भी तो हो गई है दीदी, और कुछ अच्छे रिश्ते हैं मेरी नजर में, अगर आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं। माया नहीं, अभी थोड़ा रुको, अभी बात आगे मत बढ़ाना, मैं जरा इस बारे में घर में सबसे बात कर लूं तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? मैं तो इसलिए रिश्ते की बात कर रही थी दीदी क्योंकि आप शगुन को लेकर बहुत परेशान हैं, और अगर एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा तो शायद उसका नसीब अच्छा हो जाए। कह तो तुम ठीक रही हो माया, लेकिन इस बारे में थोड़ा वक्त दो मुझे। जल्दी बताइएगा दीदी, क्योंकि आजकल अच्छे लड़के सिर्फ सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है माया, अब मैं फोन रखती हूँ, और अपनी तबीयत का ख्याल रखना तुम, ठीक है? ठीक है दीदी, ख्याल रखेंगे, आप भी रखिएगा। अच्छा माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन शाम को जल्दी घर आ जाना। जी माँ, आप चिंता मत करो। बाय बाय। ये लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरे सपने, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, और वैसे भी बचा क्या है मेरी जिंदगी में? सब खत्म, सब खत्म। बस भाभी और नहीं चाहिए। अरे खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। अरे बस बस। भाभी, भैया कहाँ? भैया ऊपर कुछ मेल कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तुम लोग खाओ, उन्हें बुलाइए, फिर ही खाते हैं। खाओ। भाभी एक बात बताइए, इस बस में किसकी शादी की बात चल रही है? अरे वो अपने संजय जी है ना, उनकी शादी की बात चल रही है। आप किस गलत फहमी में है, मैं संजय की शादी की बात नहीं कर रही थी, मैं अपने घर नई देवरानी लाने की बात कर रही हूँ। उसके लिए भी मुझे प्यारी सी ड्रेस चाहिए भाभी, प्लीज प्लीज प्लीज। खैर ये सब तो बात की बात है,
हमारी जो भाभी आने वाली है वो फेसबुक पे तो है ना, और इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोवर्स कितने हैं? काम कर दियो ठूस। भैया मैंने जो देवरानी ढूंढी है ना वो लाखों में एक है। देखिए क्या है कि अपना ये जो भाई है ना ये लाखों में नहीं करोड़ों में एक। सही कहा। तो इसलिए इसके लिए जो लड़की होनी चाहिए ना वो भी करोड़ों में एक ही होनी चाहिए, राइट? करेक्ट। हाँ बाबा, लड़की लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक है, लेकिन जब तक बात पक्की नहीं हो जाती तुम लोगों को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है भाभी, पक्की होने के बाद बताएंगे आप। सरासर चीटिंग। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेरे प्यारे देवर को कोई प्यारी सी देवरानी पसंद है तो अभी बता दो, फिर नहीं चलने वाली। नहीं 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 भैया, मुझे क्या पसंद नहीं है। भाभी शादी का डिपार्टमेंट आपका है तो आप ही संभालो ना, मुझे क्यों फंसा रहे हो। एनीवेज भैया, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस में बहुत सारा काम है। तुम लोग कुछ खा तो लो। भैया मुझे भी कॉलेज छोड़ दी थी, मुझे लेट हो रहा है। जी प्लीज, कोई सुनता ही नहीं मेरी। चलो चलो भैया, बाय भाभी। बाय भैया, बाय 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 बाय। चलो तुम भी बैठो, प्लेट लो, नाश्ता करो और उसका तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। अगर हमारे अपने बच्चे होते तो वो भी इतना ही प्यार करते ना जितना ये दोनों करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे बच्चे नहीं है? लेकिन मुझे ये दुख तो हमेशा ही रहेगा कि मेरा खुद का कोई अपना बच्चा नहीं है। हम हमेशा साथ रहेंगे। रख दिया होगा उपन्यास। अरे रेखा जी, वो प्रेमचंद का उपन्यास था, वो कहाँ रखा है आपको मालूम है? नहीं मुझे तो नहीं पता। अच्छा आप सुनिए ना, हाँ? वो सरोज जी का फोन आया था। क्या कह रही थी समदन जी? वो कह रहे थे कि वो और राकेश जी शाम को घर पर आ रहे हैं, संजय की शादी के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपको बताया था ना मैंने सुबह? संजय से बात हुई? हाँ उसे भी बताया था सुबह, पर अभी फिलहाल तो संजय से कोई बात नहीं हुई मेरी। लेकिन उसे फोन करके उसे कंफर्म कर दीजिए कि शाम को पक्का उसके सास ससुर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है संजय को अभी तक पता नहीं चला होगा? हजी उसे तो ये भी पता होगा कि वो लोग किस रंग के कपड़े पहनकर आ रहे हैं। ठीक कह रही हो, उसको जरूर ये बात पता होगी, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होगी कि ऑफिस से लौटते वक्त उसे फ्रूट्स और मिठाइयां लेके आनी है। अच्छा आपकी बिटिया शगुन कहाँ है? शायद उसे मालूम हो कि वो उपन्यास कहाँ पे है। शगुन की ही तो चिंता है मुझे। रेखा जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारी बिटिया बहुत होशियार है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ शगुन को, संजय के सास ससुर के सामने तो नहीं आएगी वो। आपको पता है लीना के घर से आने वाली किसी भी चीज को अभी तक हाथ तक नहीं लगाया शगुन ने। वहां से आई किसी भी चीज को हमने भी तो हाथ नहीं लगाया रेखा जी। आप हर बात को ताला मत कीजिए,
आपको पता है ना संजय का गुस्सा, पता नहीं सबके सामने अपनी बहन को भला बुरा कह दे तो। और वो संजय के साथ, वो जो भी हो, देखिए मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरे बच्चों के बारे में कोई भी सवाल करे। रेखा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगा, कुछ नहीं होगा। संतोष अब मेरे उपन्यास का कुछ करो, तुम जानती हो ना जब तक पढ़ता नहीं होता तब तक मुझे नींद नहीं आती है। यार तू ना पिछले जन्म में दीमा की रही होगी। व्हाट, क्या बकवास कर रही है? अरे यार देखना अभी आधा घंटा है लेक्चर के लिए, चलना कहीं घूम के आते हैं, चलना प्लीज चलना। ऐसे बातें बनाना बंद कर, तू भी अपने नोट्स कंप्लीट कर ले, तेरे लिए बेहतर होगा। यार ये पढ़ाई ये नोट ये तो चलता ही रहेगा कॉलेज में, कॉलेज की यादें तो तब होती हैं जब हम मस्ती करें एंजॉय करें। अच्छा तो तू डिसाइड कर ले कि तुझे अपने कॉलेज के दिन कैसे याद करने हैं, चूल्हा फूंकते हुए या किसी अच्छी कंपनी में काम करते हुए। हाय एवरीवन। हाय यार तूने चीज नोटिस की क्या? ये सूरज और मीरा आजकल कुछ ज्यादा ही साथ साथ में नजर नहीं आ रहे। तो जा ना, तू भी उन्हीं के साथ रह ले, मुझे डिस्टर्ब मत कर। ओ हेलो, तू इतना भड़क क्यों रही है? हाँ देख यार मुझे किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे इन सब बातों में मत घसीट। अरे यार मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, सूरज भी तो तेरे टाइप का ही है, किताबी कीड़ा। और अच्छा ये कि वो तेरा दोस्त बन जाए, फिर तुम दोनों आराम से इस किताब में घुसे रहना और मैं बाकी फ्रेंड के साथ फुल एंजॉय करूंगी। तो जा अभी जा, तू भी उन लोग की तरह सड़कों पर घूम और पब में घूमती रहे, तू बस बैठ के सड़ती रहे। बाय द वे सूरज, कल तुम पार्टी में आ रहे हो ना? अरे नहीं यार, मुझे ऐसी पार्टी से बहुत बोर होता है इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। सूरज एक बार पार्टी में आकर देखो, ट्रस्ट मी तुम एंजॉय करोगे। लेट्स सी, इनफैक्ट मुझे ना यार इस क्राउड से बहुत एलर्जी है, तो मुझे ना अकेला रहना ज्यादा पसंद लगता है। सूरज एक बार ट्राई करके देखो, थोड़ा सा चेंज होकर देखो, लाइफ बहुत खूबसूरत है। नेहा को हमारे ग्रुप से कोई प्रॉब्लम है क्या? कभी ढंग से रिप्लाई नहीं करती है, ना ही कभी हमारी बातों में इन्वॉल्व होती है, और पढ़ाई का बहाना करके हमें इग्नोर करती रहती है। लिविट हर्बे, और वैसे भी ऐसी लड़कियों की बातें करके कुछ नहीं निकलता। तो बात करने से कोई मतलब नहीं है। और बता लाइफ में तेरे क्या चल रहा है? हाँ माँ बोलो। संजय बेटा वो लीना के मम्मी का फोन आया था, शाम को वो लोग घर आ रहे हैं। हाँ माँ लीना ने फोन किया था, बताया उसने मुझे। अच्छा तूने नाश्ता किया कि नहीं? बेटा मुझे पता है कि तुम सुबह वाली बात को लेकर नाराज हो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, शगुन तुम्हारी बहन है, और हम सब एक दूसरे का भला ही तो चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। देखो ना संजय अभी शादी की पूरी तैयारियां बाकी हैं बेटा, तुम ना शाम को जल्दी से घर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा, जितनी जल्दी काम निपट जाएगा तो आ। अच्छा ठीक है, और शाम को आओ ना तो बाजार से मिठाइयां और फल ये सब लेते आना, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। नेहा कहाँ है?
नेहा तो कॉलेज गई है। हाँ लेकिन वो जल्दी आ जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेंगे। अच्छा लीना को लाल रंग पसंद है ना? हाँ फिर ठीक है, मैंने ना उसके लिए लाल रंग का सूट लिया है। तुम शाम को घर आओगे ना, मैं दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा घर जल्दी आ जाना लेकिन। हाँ ओके। फोन रखती हूँ मैं। ज्ञान जी हेलो। नेहा जी माँ। शाम को कॉलेज से जल्दी घर आ जाना, बोला लीना के मम्मी पापा घर आ रहे हैं। हाँ माँ अभी तो मैं क्लास जा रही हूँ, क्लास ओवर होते ही आ जाऊंगी। लेकिन बेटा जल्दी आ जाना तू, हूँ वरना संजय गुस्सा होगा। जी माँ। ठीक है बेटा। मुझे हर हाल में समीर और शगुन की शादी करानी ही पड़ेगी। समीर के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती, लेकिन हाँ थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा क्योंकि जीजा जी को शगुन सबसे प्यारी है। भाई हेलो, किन ख्यालों में कोई हो? मेरे आने का एहसास ही नहीं हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी बस। अरे भाई कौन सी पुरानी बातें, मैं तो नहीं आऊ, कोई नई बातें करते हैं। क्या? ये कि तुमने समीर के लिए कौन सी लड़की फिक्स की है? देखो कुछ फोटो शोटो तो दिखाओ। देखो क्या है ना, वो तो बच्चे हैं, उन्हें नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे तो पता चले, मुझे तो बता। बस अभी फिलहाल आप वेट करिए, जब तक रिश्ता तय नहीं हो जाता आपको क्या, मैं दूल्हे को भी नहीं बताऊंगी कि दुल्हन कौन है। अरे ये तो सरासर गलत है। अच्छा ठीक है, कम से कम ये बताओ कि उनके पिता का नाम, उसका घर, पता ठिकाना, मतलब कुछ तो। मुझे नहीं पता उसके पिता का क्या नाम है और उसके घर का क्या हाल है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि बहुत जल्दी वो मेरी देवरानी बनने वाली है। तुम फिक्र मत करो। मीरा, मीरा आई भाभी। यस भाभी आओ बैठो। यस भाभी क्या हुआ अचानक, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक, कुछ नहीं हुआ। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। सब ठीक है ना तुम्हारे कॉलेज में? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? वो जो आपकी दीदी की बेटी है ना नेहा, वो भी मेरे कॉलेज में पढ़ती है। तो इसमें प्रॉब्लम की तो कोई बात नहीं है, तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो ठीक है? जी भाभी। वैसे पढ़ाई में कैसी है वो? पता नहीं भाभी, मार्क्स तो हमेशा अच्छे लेके आती है, भगवान जाने कैसे लेके आती है। और बहन जी ये बताइए कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमने तो कार्ड भी छपने को दे दिया है। लीना कह रही थी कि कार्ड छपवाने की क्या जरूरत है, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप या ईमेल कर देते हैं। अब स्मार्टफोन की ये लड़कियां दिन रात बस फोन पर चिट चैट पर लगी होती है। मैंने भी कह दिया कि भाई रीति रिवाज भी तो कोई चीज होती है। अब हमने अपने हर रिश्तेदार और इनके दोस्त की बेटियों की शादी अटेंड की है और सबको कुछ ना कुछ तोहफा भी दिया है। बस अब मेरी बेटी का नंबर है, कहीं कोई ये ना कहे कि हमें तो कार्ड ही नहीं मिला।
लोगों को अगर कार्ड ना मिले तो बुरा मान जाते हैं। पापा, हाँ आपने कार्ड छपने दिए या नहीं? क्योंकि आपने कहा था कि कार्ड छपने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जिम्मेदारी मैं ही संभाल रहा हूँ। वो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कहा था कि आज वो कुछ नमूने लेके आने वाला है, लेकिन वो पता नहीं अब तक आया नहीं। खैर, मैं कल सुबह जाके देख लूंगा। नहीं नहीं, आप रहने दो। मैं सब कर लूंगा, मैं ऑफिस जाते हुए कार्ड छपा लूंगा। ठीक है बेटा। अरे आप लोगों से आगे हमारी पत्नी साहिबा निकल गई हैं। आप लोगों ने तो अभी तक कार्ड नहीं छपवाया और हमारी पत्नी साहिबा ने दूध वाला, मलाई वाला, फूल वाला, बंगलों वाला, गाड़ी वाला सब बुक कर दिया है। अब बेटी की माँ को जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ती है, क्यों बहन जी? अच्छा बहन जी, आपकी शगुन भी तो शादी के लायक हो गई है। जी, मैंने ना उसके लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता देखा है, बड़ा ही भला लड़का है, विवेक नाम है उसका। बड़ा सीधा, सच्चा, ईमानदार है। अगर किस्मत ने साथ दिया ना तो अपनी शगुन की तो जिंदगी सवर जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग एक बार लड़के से मिल लो और रिश्ता भी पक्का ही कर लो। जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम लोग एक बार घर में सलाह मशवरा कर लें तो बस फिर आपको बता देंगे जल्दी से। हाँ हाँ, आराम से सोच लीजिए, मैं तो शगुन का भला ही सोच रही थी। वैसे शगुन कहीं दिखाई नहीं दे रही, घर पर नहीं है क्या? क्यों संजय जी, शगुन घर पर ही है। दरअसल उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या हो गया? कहीं कोई ऐसी वैसी, मतलब घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बस थोड़ा सा उसके सर में दर्द है तो इसलिए वो आराम कर रही है। आजकल की ये लड़कियां ना बड़ी नाजुक होती हैं। बस अब तो सर दर्द भी बीमारी होने लगी है। मैं तो कभी सर दर्द की गोली लेती ही नहीं, और लोगों को देखो, बस दवा पे दवा खाते रहते हैं। नेहा बेटा, जाओ बुलाओ उसे, बोलो सरोज आंटी आई है। नेहा, जाओ, बैठी क्यों, जाओ। हांडी के एक चावल से बर्तन के पूरे चावल की स्थिति का अंदाजा हो जाता है। जब तक शगुन मुझसे माफी नहीं मांगेगी, मैं अपनी बेटी को इस घर में भेजने का फैसला नहीं कर सकती। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग तो होश में है? इस तरह बात कर रहे मेहमानों से? पर मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। चुप रहो।